लो सफर शुरू हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ रोड पे, जा रहा हूँ। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं रीवा की तरफ और आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक नई राइड, एक नई सुबह को लेकर। माय गॉड कब से इंतज़ार था और वो राइड का सपना आज सच होने वाला है। एक और सपना पूरा होने वाला है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सपनों के साथ जिया जाता है, सपनों को पूरा किया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत राइड को। और अभी मेरा प्लान है कि आज जो मेरा डेस्टिनेशन रहेगा शायद अयोध्या रहेगा। अयोध्या मुझे पहुंचना है आज के लिए, जो कि जबलपुर से 535 किलोमीटर्स है। और एक बार अपडेट कर देता हूँ, आज तारीख है 21 मई 2022, 21 मई 2022, सुबह के 6 बज रहे हैं। ओहो, दिन है शनिवार का, सैटरडे। आई एम एक्साइटेड, यो बेबीज हाउ यू आर डूइंग। अभी तो मस्त चले जा रहे हैं यार, लगेज कुछ ज़्यादा हो गया इस बार, बट ठीक है, एक सिंगल बैकपैक ही रखा हुआ है और बाकी सब ऑल चंगा जी। ओ मैनु की हाल है, बस आज तो कमाल है, बयान नहीं कर सकता मैं इस फीलिंग को यार। ये जो फीलिंग है ना राइड पे आने की, अल्टीमेट है। और मुझे मालूम है कि आज क्या होने वाला है गर्मी का सीज़न है तो यार फटे से गर्मी पड़ेगी, फटे से ऐसा है, पर ठीक है चलता है यार। राइड एक पैशन है, एक जुनून है। मौसम को देख के राइड नहीं की जाती, सिर्फ राइड की जाती है मौसम अपने आप ठीक हो जाएगा, गर्मी पड़ेगी बरसात होगी सब सह लेंगे इस राइड की खातिर। सिंग इज किंग। तो बने रहिए चैनल पे आदित्य सिंह, चलते हैं अपन। यो हियर आई कम माय बेबी। हाँ, 8 बजने वाले हैं सुबह के, निकले थे 5 बजे, 3 घंटे हो गए चलाते चलाते गाड़ी और ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है 160 किलोमीटर्स। नॉट बैड, एक ही चीज़ बुरी है कि मैंने अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया है। बीच में एक जगह फ्यूल ब्रेक लिया था लेकिन अभी मैं मैयर ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैयर के आसपास कुछ मिल जाए अच्छा सा खाने के लिए। यार सुबह सुबह ना आपको ना मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए ना कोई प्रॉपर शॉप्स नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है इससे, बहुत ज़्यादा मतलब। तो अभी ये सोच रहे हैं कि कहीं आगे रुक कर कुछ अच्छा सा मिल जाए तो खा लेंगे। यहाँ से मैयर के लिए बोले जाते हैं अंदर, और कुछ मिल जाए खाने के लिए। आत्मा जो है वो भूखी है मेरी। रॉयल पंजाब हाईवे हॉल्ट, ये लिखा तो है अच्छा, पर इस पर क्या मिलेगा मेरा बच्चा, इस पर भी कुछ दिख नहीं रहा मुझे ऐसा खास। आगे देखते हैं। इंदौर रूट में ना मतलब ये चीज़ अच्छी है, इंदौर भोपाल रूट पे आपको सुबह सुबह ना पोहे मिल जाते हैं जो लाइट होते हैं और आपका पेट भी भर जाता है पर नींद नहीं आती उसको खाने के बाद, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी तो ठीक है, चले आ रहे हैं। आप देखते हैं यार कहीं रुकेंगे आगे फिर बात करेंगे। धूप थोड़ी तेज़ हो गई है, बीच में हल्का सी बारिश कहीं मुझे मिली थी कटनी के आसपास, लेकिन अभी तो धूप तेज़ है। टेम्परेचर हो गया है ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेल्सियस, बाप रे, सुबह का टेम्परेचर 42। अभी 8 बज रहे हैं यार, फिर 11 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा आज। वो जा रही है ट्रेन, वाह व्हाट अ सीन। चलिए फिर मैयर में रुकते हैं कहीं पे आगे, ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके, तो ताज़ा अपडेट यह है कि अभी मैं रीवा क्रॉस करके और इलाहाबाद की तरफ जा रहा हूँ। इलाहाबाद यहाँ से है 80-85 किलोमीटर्स, ऑन द वे हूँ और ये बीच में से मुड़ना पड़ता है, मऊगंज होते हुए नहीं आते हैं, ये पहले ही एक फ्लाईओवर आता है उसके नीचे से कटना पड़ता है। रीवा से 25 किलोमीटर्स दूर
एक फ्लाईओवर से मुड़ना पड़ता है। यूपी में एंटर हो चुके हैं। आई थिंक अभी एमपी चल रहा है, एमपी और यूपी का भी चेक पोस्ट आएगा, वहाँ से एंट्री होगी। और मैं बीच में रुका था रीवा से पहले, नाश्ते के लिए एक पराठा खा लिया था। अभी धूप बहुत तेज़ है, बीच में रुक के बस पानी पीते हैं और फिर चलते रहते हैं। और यही सफ़र है, लो सफ़र शुरू हो गया, मज़ा आ रहा है। 10:30 बज रहे हैं अभी और टेम्परेचर 41 दिखा रहा है। सुबह 9 बजे टेम्परेचर 43 था, अभी टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, बादल हैं हल्के से, लेकिन मज़ा आ रहा है। अगर आप रुक जाते हो ना तो पसीना आता है, और जब वापस गाड़ी पर बैठते हो तो वो पसीना जब सूखता है ना, ठंडी ठंडी हवा लगती है, आ हा 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 हा। ये ट्रिक बहुत अच्छी काम कर रही है। रुको, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में पानी पी लो, पसीना आएगा, उसके बाद दोबारा चलना स्टार्ट कर दो। एसी लगेगा, एसी, मज़ा आ रहा है, लेकिन यार मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ से एक चाक घाट बोलते हैं, जगह ख़तरनाक है, देखते हैं कितनी ख़तरनाक जगह है, वो पता लगेगा आगे। फ़िलहाल तो गानों का आनंद ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। चलो मिलते हैं आपसे आगे। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। बज रहे हैं 12, पहुँच गया हूँ मैं इलाहाबाद, नहीं इलाहाबाद नहीं यार, प्रयागराज। यस, इसका नया नाम है प्रयागराज। क्या खूबसूरत पुल है, क्या खूबसूरत पुल है। और मेरे ख्याल से ये शायद यमुना नदी है। मैंने पीछे पुलिस वाले से पूछा था कि अयोध्या जाने के लिए रूट क्या है, तो उसने बोला कि यमुना पार करके आपको मुड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये यमुना नदी ही होगी फिर तो। और क्या खूबसूरत पुल है यार, अमेजिंग यार, अमेजिंग, मज़ा ही आ गया यार उसको देखने में तो, देखने में और क्रॉस करने में तो और ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यस, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग सिटी, अमेजिंग पीपल, अमेजिंग कल्चर, यो मैन, इंडिया इज अमेजिंग। वाओ वाओ। अच्छा यार, मौसम भी थोड़ा सा नरम गरम टाइप का है, टेम्परेचर 45 दिखा रहा है अभी, बट लग नहीं रहा है कि मैं 45 में चला रहा हूँ गाड़ी, शायद हवा लग रही है इसीलिए। अभी आगे रुक के देखते हैं, पेट्रोल भी लेना है मेरे को, फ्यूल ब्रेक लेना है, साथ में पेट पूजा भी कुछ करना है, और रास्ते का भी पता लगाना है। मालूम पड़ा कि प्रयागराज में घूमते रह गए, अयोध्या पहुँच ही नहीं पाए, लेकिन आज है टारगेट अयोध्या का, तो टारगेट कंप्लीट करेंगे और पहुँचेंगे अयोध्या। मिलते हैं आपसे आगे। और ये जो जगह है, ये है आपका प्रतापगढ़ की जस्ट एंट्री है, मतलब समझ लो प्रतापगढ़ एंटर ही कर रहे हैं हम। चलो प्रतापगढ़ से बाहर निकलता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी मैं आपको क्या दिखाऊँ, ये ट्रैफिक, गर्मी, टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है, सब कुछ सेट है। एक चीज़ बस अभी सेट करना बाकी रह गई है, वो ये वाला फॉग लैम्प का नट थोड़ा ढीला हो रहा है, तो वो हिल रहा है बार बार। सोच रहा हूँ कहीं पर दुकान मिलेगी ना तो एक पाना लेके उसको कस दूँगा। भाई साहब, अरे भाई साहब रुक जाओ। प्रयागराज जो है मैंने क्रॉस कर लिया है, और अभी मैं बैठा हुआ हूँ एक होटल में, खाना खाने के लिए रुका हुआ हूँ। आई थिंक यहाँ से अयोध्या जो है वो 110 किलोमीटर ही दूर है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से चल रहे हैं। मौसम भी ठीक ठाक हो गया है, छाँव तो है लेकिन गर्म भी है, लेकिन छाँव भी है। और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी खाना खाने के ऑर्डर दिया मैंने, मटर पनीर हाफ, और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 2। आवाज़ आप देख लो कैसी हो गई है, गला सूख चुका है। अभी यहाँ पर छाछ और मटर पनीर ऑर्डर करने के बाद, खाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, स्लोली स्लोली मूव करेंगे अयोध्या की तरफ। आज का स्टे अयोध्या में रहेगा, मिलते हैं आपसे रोड पर। ओके, तो अब लंच कर लिया है और बच गए हैं 2:30, ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर ब्रेक लिया मैंने, काफ़ी लंबा टाइम के बाद ब्रेक लिया तो सही बनता है। ये होटल है प्रभाकर पैलेस, और ये रोड है अयोध्या वाली। तो अगर आप आ रहे हैं प्रतापगढ़ के बाद, आप समझ लो सुल्तानपुर से पहले, ये आपको ऑन द वे मिल जाएगा। अच्छा खाना था यार, और रीज़नेबल भी था।
बाकी तो ऑल वेल है। चलो यहाँ से अब निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गाना सुन रहा हूँ मैं, चलते चलते यूं ही रुक। ओह माय गॉड, अभी अभी मुझे पता लगा है कि गूगल माता से गूगल पिताजी हो गए हैं। मैंने गूगल अभी सेट किया है होटल के लिए, तो अभी अभी लड़की ने नहीं बोला है, लड़के ने बोला है। वाओ, ये तो ज़माना बदल रहा है, गूगल बदल रहा है। सुंदर पिचाई जी ने लगता है किसी लड़के को रख लिया है काम पर, बेचारा बेरोजगार युवक को रोजगार मिल गया। चलो खैर एंजॉय करते हैं, गाने सुन रहा हूँ मैं 2000 वाले। शाम के बज गए हैं 4, दिन है शनिवार और हम हैं अयोध्या से केवल, ये लिखा हुआ है 30 किलोमीटर। यस, अपने डेस्टिनेशन से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं। गूगल बोल रहा है कि आप पहुंच जाएंगे 5 बजे तक, तो पहुंच ही जाएंगे 5 बजे तक, उसमें क्या है। बाकी अच्छा लग रहा है, मौसम ठीक है, गर्मी तो है लेकिन क्या है, ये रूट पे ना मैंने देखा पेड़ बहुत सारे हैं और पेड़ों की जो छाँव है वो आती है रोड पर, तो रोड उतनी गर्म नहीं होती तो आपको हमेशा अच्छा लगता रहता है। अभी मैंने जस्ट एक छोटा सा पानी ब्रेक लिया, पानी पिया है काफ़ी देर के बाद, जो लास्ट खाना खाया था 2:30 बजे, उसके बाद अभी ब्रेक लिया, चले आ रहे हैं। क्योंकि आज सिर्फ अयोध्या ही पहुंचना है, इसलिए कहीं और जाना होता तो अलग सोचते, लेकिन आज ठीक है, आज अयोध्या स्टे करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉर्निंग में गूगल ने बोला था 535 किलोमीटर से और सही था, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 535 ही है, 500 तो हो गया, 30 किलोमीटर और। मुझे अपना होटल और ढूंढना है, गूगल उसी पर सेट किया है, देखते हैं। एक बात मैंने नोटिस की है, लेकिन आप अगर यूपी में ट्रैवल कर रहे हो ना, ख़ास तौर से इस इलाके में, मतलब पूर्वांचल इलाके में, बहुत संभल के चलिए, पता नहीं लोगों का दिमाग पता नहीं क्यों घूमा हुआ है यार। यहाँ पर यार बस वाले, छोटी गाड़ी वाले आ रहे हैं, 2-व्हीलर्स 4-व्हीलर कुछ भी आए, अपना लेन छोड़ देते वो लोग, यार आपके लेन पर आ जाएंगे, आपको अपनी जान बचानी है तो आप नीचे उतर जाओ, रोक लो, कुछ भी कर लो, वो भाई अपनी स्पीड कम नहीं करते। मैंने 2-3 बार देखा यार, 2-3 बार, इसलिए बहुत संभल के आओ, जब भी आओ इस एरिया में आराम से चलाओ गाड़ी। और ये है फैज़ाबाद का टर्न, और हमारे गूगल अंकल ने बोला है कि यहाँ से आप राइट टर्न ले लो NH 330 के लिए, जो कि जाएगा सीधा अयोध्या। मैंने भी गूगल सेट कर लिया फाइनली, मैंने कहा आज तो यूज़ कर ही रहे अपन गूगल जहाँ तक कर सकते हैं। ओहो, पर मुझे समझ में नहीं आया ये गूगल आंटी से गूगल अंकल में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया और कब हो गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मतलब ये अभी शायद रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या, इसका पता लगाना पड़ेगा अपन को, क्या बोलते भाई लोग। एक बात है लेकिन, जब भी अपन ऐसा राइडिंग गियर पहन के घूमने निकलते हैं ना, सब लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे पता नहीं कौन सा एलियन आ रहा भाई, 3-4 जगह तो रोक रोक के पूछ लेते हैं, भैया कहाँ से आ रहे हो। हमने बोला जबलपुर से आ रहे हैं, जबलपुर से आ रहे हैं, अच्छा ये आपका शौक है, पैशन है। एक बोलता है भैया कौन सा सामान बेच रहे हो, मैंने सामान बेच रहे हो लगता है क्या आपको ऐसा। आज तो दिल दुखा दिया लेकिन एक ने यार, बोल दिया अंकल अंकल मैं भी ऐसे ही घूमता हूँ, साला वो मेरी खुद उम्र का होगा यार और वो मुझसे बोल रहा है अंकल, यार हद हो गई आज तो, अंकल की कैटेगरी में आ गए अपन बाबा। अभी भी दिखा रहा है 18 मिनट डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए। यहाँ से जुड़ जाता है नेशनल हाईवे 27 जो कि सिलीगुड़ी से लेकर गुजरात तक जाता है, उसको मैंने बीच बीच में कई जगह पर कवर किया हुआ है, शिवपुरी वाला रूट किया हुआ है, कोटा वाला रूट भी किया हुआ है। भाई साहब ये यूपी है, यूपी यहाँ पे लोग फाड़ देते हैं आपकी, पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई गाड़ी लेके निकल जाएंगे एकदम से, ऑन करेंगे ऑन करके लिटरली, मतलब ये देखो यूपी भाई खतरनाक, हरियाणा वाले की फाड़ दी यार यूपी वाले ने यूपी वाले ने हरियाणा वाले की फाड़ दी यार सीरियसली। चलो अयोध्या पहुंचेंगे, होटल में मिलेंगे आपसे।
ओके, तो मेरे पीछे जो है वो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, राम मंदिर जो अभी नया बनने वाला है उसकी राम जन्मभूमि है। और मैं वहाँ पे अभी दर्शन करके आ गया हूँ। वहाँ पे मोबाइल अलाउड रहता नहीं है, मोबाइल जमा करवा लेते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आप फुली कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही काम पर फोकस कर सकते हैं, वो है दर्शन करना और उसको प्रॉपरली महसूस करना कि क्या जगह थी और क्या पास्ट और क्या संस्कृति रही हमारी। तो अच्छा लगा काफ़ी देख कर। और अभी मैं अयोध्या में पहुँच गया था, बहुत जल्दी जल्दी रश में आया हूँ क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये 6 बजे बंद हो जाता है और मेरी एंट्री अयोध्या में हुई थी 5 बजे। मैंने होटल ढूंढा है, 5:30 बजे नहाया हूँ और 5:45 बजे यहाँ पे आ गया हूँ। होटल से वॉकिंग डिस्टेंस है, होटल मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अच्छा है, ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए आई थिंक काफ़ी स्पेस है तो उतना इशू नहीं है। बाकी ये जो देख रहे हो ये थोड़ा सा चल के आना पड़ता है, यहाँ पर ऑफ रोडिंग नहीं करना है भैया, थोड़ी धूल ज़्यादा ही है। और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ वापस होटल के लिए और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और फाइनली एक बकेट लिस्ट का टिक पूरा हुआ। और अब जब ये मंदिर बन जाएगा 3 साल बाद तो दोबारा लौट के आऊँगा इस बार फिर से इस मंदिर को देखने के लिए। तब तक मिलते हैं आपसे अंदर होटल में। इस तरीके से आज का दिन 21 मई 2022 जो है वो ख़त्म होने वाली है और मैं आ गया हूँ अपने रूम में। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा रूम, कपड़े यहाँ पूरे फैले पड़े हैं, छोटा सा स्पेशियस रूम है, एसी लगा होना चाहिए, बेड होना चाहिए और एक टॉयलेट होना चाहिए, बस इसके अलावा अपने को कुछ नहीं चाहिए जीवन में और पैसा कम लगना चाहिए। तो ठीक है, आई थिंक इन्होंने कुछ चार्ज किया मेरे से 1700 रुपये, तो मुझे लगा कि ठीक है यार गर्मी के हिसाब से। और पार्किंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं हमेशा दो चीज़ें देखता हूँ, एक पार्किंग और दूसरा एसी। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, सेफ हैं, सब कुछ सही है तो मैं कभी सोचता नहीं कि यार पैसा खर्च कर रहे हैं अपन, बस ले लो क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो को, इस दिन को आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, देखते हैं कि कल का दिन कितना रोमांचक है। तो कल मिलेंगे आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग में, फिलहाल रात के लिए गुड नाइट, शब खैर, अच्छे से सोइए और मैं भी अच्छे से सोता हूँ ताकि हम कल सुबह मिलें, अच्छे मूड से मिलेंगे। कल अच्छा दिन होने वाला है। बाय बाय।